हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरदार सरदार फिल्म के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि इसका तमिल और तेलुगु वर्जन साथ ही में हिंदी वर्जन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं आपको इस फिल्म की जो कहानी है उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके बताने वाला हूँ इसी के साथ फिल्म के स्टार का सपोर्ट

के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिनपू रघु और गिवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है वो पी एस मिथ्रन का है और डायरेक्शन भी पी एस मिथ्रन ने किया हुआ है फ़िल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने उन इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको एक सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक, एक सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पर राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पर रिथ्वी को इस फिल्म में थीमोथी एलाइस टिमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी मुनिस कांत ने इस फिल्म में पवर दई का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौड़ के हिटमैन का रोल दिया गया था योगी जैसेतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग जापी ने इस फिल्म में चंद्रमोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी अब्राहम एन एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुत्तू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है अलावर उसने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल ली ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमाटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुए रुबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्तिक एक फिल्म करने वाले जहां पर उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पीएस मिथरन जिन्होंने इससे पहले विशाल की थी राय फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ उप अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड माइंस के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे पे। उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी जो प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन इंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी साहब विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजी साहब विज्ञान थी मार्च में एक का रिपोर्ट सामने निकल के आई थी 2021 की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा उनतीस अप्रैल दो को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी नौ दो को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में जो राशिक खन्ना वाला पोर्सन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आर्ट डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिर अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली रिक जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे एक सार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते है जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं उनके एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर करे राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एक कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने उन्होंने काफ़ी काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार करके दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजेशा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पे आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरे हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया होता था डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मोमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा फिल्म इसको हम कह सकते हैं जहाँ पर सभी चीज़ों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड हाफ में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक सॉलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफी ज्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुँची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजियन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवा या गया था तो इस तरह से इन रीज में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसकी आई रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ की आई रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सिक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट से किया गया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो आहा ओ टी ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो यह फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कालिंगनर टीवी वालों ने खरीदे हुए तो यह फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोलमांस के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमैंस वालों ने खरीदे हुए तो गोलमैंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्ज़न आपको आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगनर टी के ऊपर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैंस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी पे पर गोलमैंस के टी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा

और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पौन पार्थिबन रोजू बिनपू और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक, एक सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पर राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे रिथ्वी को इस फिल्म में थिमोथी थी एलाइस टीमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी मुनिस कांत ने इस फिल्म में पव दई का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौर के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सेतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग झापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रोल चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुत्तू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावर उसने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केमियो केम्योपीरेंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमाटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पर इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्ती एक फिल्म करने वाले जहां पर उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिश्रन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू थी फिल्म डायरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ उप अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड माइन्स के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे पे। उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल, फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजी विजयन विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पर पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा उनतीस अप्रैल दो को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी नौ दो को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में रा जो राशिक खन्ना वाला पोर्सन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आठ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिरिकिस्ट अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे उनके और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर राशि राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो ज़िम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजेशा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिकवेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीजें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पर दिखाया होता वहाँ पे और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पर थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दूंगा हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही क्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया हुआ था वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बी था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से शो किया हुआ था वो काफी सॉलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रा ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ़ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफ़ी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को ए मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीज में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ रिलीज़ करवाया हुआ था बदौलत एक अच्छी मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसकी आई रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले हुए हैं फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ की आई रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों, फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सीक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट किया गया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स के ऊपर तो आहा ओ टी ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंगरन टी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी टी के ऊपर तमिल और तेलुगु

कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने ख़रीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के पर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स के 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 पास है तो द्वारा सेंसर करवा के, करवा डब ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिन रघु और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने उन इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशिक खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे ऋत्विक को इस फिल्म में थीमोथी थी एलाइस टिमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी कांत ने इस फिल्म में पव दामी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौड़ के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी स सेतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग झापी ने इस फिल्म में चंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुथू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने नहीं किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमामेटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट्स थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्ती एक फिल्म करने वाले जहां पर उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिश्रन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू थी राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी शाह विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हिरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजीशाह विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूं कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फ़िल्मिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी नौ दो को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में रा जो राशिक खन्ना वाला पोर्शन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आठ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमरलई येरी मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिर अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलुगू वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे उनके और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर रही है राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार दोनों किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पे राजेशा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता है वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया होता वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफी बढ़िया है काफी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफी ज्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीजों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रन ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ़ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीज़ों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सॉलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफी सोलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पे फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था इक्कीस अक्टूबर दो को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेई का अभी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेश में कार प्रिंस फिल्म में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार्तिक की ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पे रेड जाइट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजियंस में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज़ मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके IMDb रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले वो हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ पॉइंट एक की आई एम रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ पॉइंट एक की एक अच्छी खासी रेटिंग है है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स

तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कालिंगनर टी वालों ने ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने ख़रीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के पर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी वी पर गोलमैस के टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पर ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगू वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिन पुरगु और गिवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स रो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पर राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे ऋत्विक को इस फिल्म में थिमोथी एलाइस टीमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी मुनिस कांत ने इस फिल्म में पवर दस का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौर के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सैतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग जापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एन एस एस का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुत्तू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केमियो केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो की हुई सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूज़िक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्तिक एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिश्रन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ उप अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि विजयन विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजी विजयन विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नजर आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फ़िल्मिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी 9, 2022 को रिज्यूम किया गया था जहां पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में रा जो राशिक खन्ना वाला पोर्शन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फ़िल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आठ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिरसिस्ट अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए तमिल तेलुगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खोस नजर आ रहे उनके और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर है राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर सुपरकूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार दोनों किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजीसा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पे आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता है वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नजर आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मज़ा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया हुआ था वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से सोकिंग किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रन ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मूवमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफ़ी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोवमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का अभी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि यह सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को ए मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजन्स में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके आई रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले हुए हैं फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ पॉइंट एक की आई एम डी बी रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ पॉइंट एक की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सीक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट किया गया था उसकी काफ़ी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो आहा ओ टी ने इस फिल्म के तमिल तेलुगू दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए है वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंगरन टी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ तो रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टीवी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने खरीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्ज़न आपको आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगनर टी के ऊपर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी वी पर गोलमैंस के टी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा

और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्ज़न को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिन रघु और गिवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे रिथ्वी को इस फिल्म में थीमोथी एलाइस टीमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मूसी मुनिसकांत ने इस फिल्म में पवर द दामी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौड़ के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सेतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच को के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग झापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पे मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एन ए सीप का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदंबरम का रोल प्ले किया हुआ जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुथू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो की हुई ज्योज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रुबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पर इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट्स थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूज़िक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्ती एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिश्रन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू थी राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल माइन्स के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे पे। उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इम्पोर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी साहब सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजी साहब थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नजर आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी 9 2022 को रिज्यूम किया गया था जहां पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में रा जो राशिक खन्ना वाला पोर्सन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आर्थ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि अमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिरिकिस्ट अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली रेके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूज़िक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलुगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे उनके और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर रही है राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर सुपरकूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीजों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजीसा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता है वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नजर आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया होता वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफी बढ़िया है काफी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफी ज्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन थे जो थ्रिलिंग मोमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीजों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रन ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा फिल्म इसको हम कह सकते हैं एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफी सोलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुँची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज किया हुआ था उनकी भी फिल्म काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्म में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार्तिक की ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजियन है वहाँ पे रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को ए मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजियंस में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज़ मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके IMDb रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा 2100 वोट मिले वो हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें IMDb रेटिंग 10 में से. तो की करीब करोड़ तक का दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल शामिल फिल्मों फिल्मों हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स

तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वो कालिंगनर टीवी वी वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने खरीदे हुए तो गोल माइंस की टी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टीवी पर गोलमैंस के टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को तो कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पर ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर यल्लेरी, मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिर अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये, ये लीर करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलुगू वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल क्या हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे है थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे उनके एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर करे राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एक कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो जोड़ी थी राशि खन्ना कार्तिक की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नज़र आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजेशा विजयन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिकवेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकेंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता था वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मज़ा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया हुआ था वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में, में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बी था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से सो स क्या हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मित्रा ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ़ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफ़ी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहां पर इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन छः करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज ले में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्म काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा सौ करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नापूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ रिलीज़ करवाया हुआ था बदौलत एक अच्छी रिलीज मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव माउथ जिसकी आई एम डी रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीस फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ की आई रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सिक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट किया गया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो आहा ओ टी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट है से, वो कालिंगनर टीवी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको थिएट्रिक रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबली गोलमस के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमस वालों ने खरीदे हुए तो गोलमैंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगनर टी के ऊपर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमाइंस के पास है तो गोलमस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी वी पर गोलमैस के टी वी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पर ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पे उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिनपू और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे रिथ्वी को इस फिल्म में थिमोथी थी एलाइस टिमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी मुनिस कांत ने इस फिल्म में पव दई का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौर के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सैतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग जापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रोल चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुत्तू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बॉस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नी ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो जो सिनेमाटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रुबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जी वी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट्स थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्ती एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिथरन जिन्होंने इससे पहले विशाल की थी राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड माइन्स के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे पे। उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवम्बर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल, फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो आ, लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन इंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हिरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजीशाह विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया है जहाँ पर पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा उनतीस अप्रैल दो को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी नौ दो को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में जो राशिक खन्ना वाला पोर्सन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आर्ट डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिरिकिस्ट अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये, ये ली रिक जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नजर आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे उनके और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर है राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो ज़िम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पे राजेशा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता था वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकेंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रडिक्टेबल हो जाती है निरेशन वहाँ पर थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मज़ा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया होता वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफी बढ़िया है काफी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफी ज्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मोमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीजों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रा ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ़ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीज़ों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सॉलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफी सोलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पर इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन पचास करोड़ का जो बेंच होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन छः करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा सौ करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्म है उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार्तिक की ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पे रेड जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजियंस में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज़ मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले वो हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें की रेटिंग हासिल है दस में से तो करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल श्रेणी फिल्मों में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव

तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कालिंगनर टी वालों ने ख़रीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने ख़रीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्ज़न आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी पर गोलमैंस के, तो के, 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 टीव के टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिन रघु और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशिक खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे ऋत्विक को इस फिल्म में थीमोथी थी एलाइस टिमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी मुनिस कांत ने इस फिल्म में पव दामी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौर के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी स सेतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग झापी ने इस फिल्म में चंद्र का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुथू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावर उसने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केमियो केम्योपीरेंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमाटोग्राफी है वो की हुई सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई रूबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूज़िक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जाइंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्ती एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिथरन जिन्होंने इससे पहले विशाल किरुम्भू थी राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ उप अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशिक खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी शाह विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हिरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजीशाह विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूं कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नजर आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी छब्बीस अप्रैल दो को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी 9 2022 को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में जो राशिक खन्ना वाला पोर्शन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आठ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उल मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिर अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये, ये लीर करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूज़िक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलगू वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पर

और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर रही है राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर कूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार दोनों किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कमबेक कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजीस विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पे आपको देखने में जरूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता था वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया हुआ था वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से शो किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रन ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ़ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफ़ी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेई का अभी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीज में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ रिलीज़ करवाया हुआ था बदौलत एक अच्छी मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव माउथ जिसकी आई एम डी रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ की आई रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सिक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट किया गया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो आहा ओ टी ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए है वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंगर टीवी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगू लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कालिंगनर टीवी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने ख़रीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के पर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी वी पर गोलमैस के टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पर ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगू वर्जन को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पौन पार्थिबन रोजू बिन रघु और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है, वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे रिथ्वी को इस फिल्म में थिमोथी एलाइस टीमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी कांत ने इस फिल्म में पव दस का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौर के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सैतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग जापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पर मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एस एस चीप का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुथू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नी ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नरेशन फिल्म का है वो पी एस मिथ्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रुबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जी वी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट्स थे तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्तिक एक फिल्म करने वाले जहाँ पर उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिश्रन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इम्पोर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजिशा विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजिशा विज्ञान थी मार्च में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नजर आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया जहां पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल 2021 को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी 9 2022 को रिज्यूम किया गया था जहां पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशि खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में रा जो राशिक खन्ना वाला पोर्शन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजरबैजान और जॉर्जिया में फ़िल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पे शूट किए गए थे वहाँ पे वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइम के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आर्थ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिर अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई ये ली करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलुगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी विजय के किरदार से स्टार्ट होती है जो रोल प्ले कर रहे सार कार थी जहाँ पे डबल रोल है उसमें से एक सिंसियर कॉप का रोल है वो विजय वाला वो प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने काम के प्रति हंड्रेड परसेंट देते हुए नज़र आते जहाँ पे वो डिपार्टमेंट के साथ अपने एफर्ट के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे उनके एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर करे राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एक सुपरकूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार दोनों किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी नए वे में सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफ़ी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीज़ें फिल्म में काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो, जो जोड़ी थी राशिक खन्ना कार्थी की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजीसा विजयन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता है वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नज़र आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मज़ा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया होता वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफी बढ़िया है काफी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफी ज्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस जो थ्रिलिंग मोमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीजों को जिस तरह से सोकेस किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मिथ्रन ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मूवमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सॉलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफी सोलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का अभी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्म में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्म में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार्तिक की ये सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पे रेड जाइंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगू स्टेट में इस फिल्म को अन्नापूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को ए मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजियंस में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज़ मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसके IMDb रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा 2100 वोट मिले वो हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें तो करीब करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों फिल्मों श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव

तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वो कालिंगनर टीवी वी वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको थिएट्रिक रिलीज़ के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल माइंस के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोल वालों ने खरीदे हुए तो गोल माइंस के टी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगनर टी के ऊपर देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोलमैंस के पास है तो गोलमैंस के द्वारा सेंसर करवा के डब करवा के टी वी पर गोलमेज के टी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा अगर दूसरे कोई बैनर के पास है तो सेंसर डब करवा के इस फिल्म को कोई और टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सरदार जो 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है पी एस मिथरन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस लक्ष्मी कुमारन ने यानी कि एक्स लक्ष्मण कुमारन ने वहीं पर उन्होंने इस फिल्म को प्रिंस पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है रेड जाइंट मूवीज़ ने तमिल वर्जन को वहीं पे इस फिल्म के जो तेलुगु वर्ज़न को है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है गीता आर्ट्स ने इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो लिखे हुए पोन पार्थिबन रोजू बिन रघु और गीवी ने उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है वो पी एस का है और डायरेक्शन भी पी एस ने किया हुआ है फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्ती आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने इस फिल्म में एजेंट चंद्र बोस का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इंस्पेक्टर विजय प्रकाश का भी रोल प्ले किया हुआ है जो इंस्पेक्टर विजय प्रकाश है वो एजेंट चंद्र बोस का बेटा है उसको ए के सरदार के नाम से भी जाना जाता है जो एक एक्स सरो फील्ड ऑपरेटिव ऑफिसर है वहीं पे राशि खन्ना ने सालिनी का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की लव इंटरेस्ट थी राजेशा विज्ञान को इंदिरा रानी का रोल दिया गया था जो बोस की वाइफ थी और विजय की माँ थी चंकी पांडे ने महाराज राठौर का रोल प्ले किया हुआ है लेला ने इस फिल्म में समीरा थॉमस का रोल प्ले किया हुआ है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है वहीं पे ऋत्विक को इस फिल्म में थीमोथी एलाइस टिमी का रोल दिया गया था जो समीरा का बेटा था मुसी कांत ने इस फिल्म में पव दस का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय के अंकल है अश्विन कुमार को राठौड़ के हिंटमैन का रोल दिया गया था योगी सैतु ने इस फिल्म में एजेंट करम पर पुच्ची का रोल प्ले किया हुआ है जिसको कॉकरोच के नाम से भी बताया गया है फिल्म में प्रोनाउंस किया गया है वहीं पे अविनाश को इस फिल्म में विक्टर का रोल दिया गया था योग जापी ने इस फिल्म में चंद्र मोहन का रोल प्ले किया हुआ है जो रो चीफ है वहीं पे मोहम्मद अली बेग ने इस फिल्म में पी के अब्राहम एन एन एस एस चीफ का रोल प्ले किया हुआ है जो लाफिंग बुद्धा है वो इसके अलावा बालाजी शक्तिवेल ने इस फिल्म में चिदम्बरम का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस के फादर है अधीरा पंदी कलम लक्ष्मी ने इस फिल्म में मुथू लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है जो बोस की माँ है इलावरसू ने पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया हुआ था साहन वासुदेवन ने इस फिल्म में रो ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्याम कृष्णन ने इस फिल्म में राठौर के असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था स्वामीनाथन को रिपोर्टर का रोल दिया गया था म्याना नंदनी को इस फिल्म में ड्रामा आर्टिस्ट का रोल था जो एक केमियो केम्योपीरियंस था उनका वहीं पे अब्दुल नीर ने इस फिल्म में रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरत रवि और विजय वर्धराज आपको इस फिल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पे दिखाई देंगे लेकिन उनके रोल को नाम नहीं दिया हुआ है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो नेरेशन फिल्म का है वो पी मित्रन ने किया हुआ है वहीं पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो की हुई जॉर्ज सी विलियम्स ने एडिटिंग की हुई है रूबेन ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों चीज़ें जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज़ की हुई थी वहीं पे इस फिल्म में जो म्यूज़िक के राइट्स तमिल तेलुगु वर्जन के वो खरीदे हुए सोनी म्यूजिक साउथ वालों ने अब हम बातचीत करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिंस पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था और रेड जैंट मूवीज़ के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को अक्टूबर 2020 में कुछ सोर्सेज से पता चला था कि कार्तिक एक फिल्म करने वाले जहाँ पे उस फिल्म में उनके साथ एक पहली बार काम करने वाले वो है पी एस मिथरन जिन्होंने इससे पहले विशाल की रुम्बू थी राई फिल्म डिरेक्ट की हुई थी जिसको हिंदी वर्जन में द रिटर्न ऑफ उप अभिमन्यू के नाम के साथ अवेलेबल किया हुआ है गोल्ड माइन्स के ऊपर शिव कार्तिकी के साथ उन्होंने उससे पे। उसके बाद हीरो फिल्म की थी 2019 में इसके अलावा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी गई थी 14 नवंबर 2020 को अगले मंथ दिवाली के मौके के ऊपर की इस फिल्म की पूजा सेरेमनी पूज प्रिंस पिक्चर्स के प्रोडक्शन स्टूडियो में रखी हुई है वहीं से अब फिल्म फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल 2021 में राशि खन्ना को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक के अगेंस्ट वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट की जाने वाली है इसके अलावा इस फिल्म में सिमरन को इंपॉर्टेंट रोल के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल था वो दिया गया था मेकर्स ने अनाउंस किया हुआ था कि चंकी पांडे इस फिल्म में मेन कास्ट में होने वाले मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे देखने को मिलने वाले जहाँ पे इनका ये तमिल लैंग्वेज का डेब्यू होने वाला है मई में पता चला था कि राजी विज्ञान सेकंड फीमेल लीड के रोल पे ली गई है क्योंकि कार्तिक के दो रोल थे और उसमें दो जो हीरोइन थी उसमें एक हीरोइन राशि खन्ना थी दूसरी राजी शाह विज्ञान थी मार्च में एक का रिपोर्ट सामने निकल के आई थी दो की बात कर रहा हूँ कि सिमरन जो इस फिल्म के लिए काम करने वाली थी तो उनकी जो शूटिंग की शेड्यूल है वो दूसरी फिल्मों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मैच हो रहे थे जिस वजह से इस फिल्म के लिए वो टाइम नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उसके बाद में उसी मंथ एक और अनाउंसमेंट दी गई थी कि जो वो रोल है वो लेला को दिया जा रहा है और करीबन 16 साल के बाद लेला फिर से फिल्मों में काम करती हुई नज़र आएगी तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग की गई थी उसके बाद में फिल्मिंग के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पहले दिन की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी छब्बीस अप्रैल दो को कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा था जिस वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा 29 अप्रैल 2021 को दो दिनों की शूटिंग के बाद चेन्नई में इस फिल्म को रोकना पड़ा था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को डायरेक्ट जनवरी 9 2022 को रिज्यूम किया गया था जहां पे मेकर्स ने करीबन दो करोड़ का खर्चा करते हुए एक सेट क्रिएट किया हुआ था और उस शूट की जो मेजर पोर्शन है वहीं पे उस सेट पे ही शूट की गई थी बाद में राशिक खन्ना ने इस फिल्म के सेट को फरवरी पाँच 2022 को ज्वाइन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो 19 मार्च 2022 तक स्टार्ट किया गया था और बाद में जो राशिक खन्ना वाला पोर्सन है वो करीबन बारह दिनों में चेन्नई और मुंबई में शूट किया गया था बाद में चंकी पांडे का जो मेजर पर्सन था उसको पार्लियामेंट बिल्डिंग अजहरबाई और जॉर्जिया में फिल्माया गया था उनके वो मेजर पोर्सन वहीं पर शूट किए गए थे वहाँ पर वो करीबन उस जितने भी सेट क्रिएट हुए थे उसमें करीबन चार करोड़ तक का खर्चा आया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में अलग अलग सेट्स क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से जिस तरह से सभी चीज़ों को एक माहौल दिया हुआ था आठ डायरेक्शन के तहत तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से खर्चा करते हुए कंप्लीट करवाई गई थी तो एक अच्छे खासे बजट के साथ इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म के गानों को कंपोज़ किया हुआ है टोटल चार गाने यानी कि यमर उलई येरी मेरी जान सोरा के पुवे इनकी पिंकी पोंकी इस तरह से टोटल चार गाने हैं सभी गानों के लिरिकिस्ट अलग है सिंगर अलग है जहाँ पे कार्थी जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने यर मई यीर करके जो पहला गाना है वो गाया हुआ था इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूज़िक साउथ वालों को बेचे गए इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स को जिन्होंने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए तमिल तेलुगु वर्जन के लिए पंद्रह मिनट और इक्यावन सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दस अक्टूबर दो को यूट्यूब पर

और एक प्यार भी है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है सालिनी जो एक लॉयर है और वो रोल प्ले कर है हैं राशिकन्ना और उनका लाइफ में बहुत बड़ा गोल है और इन सभी चीज़ों के बीच इन सभी समय के दौरान एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वन लाइन वन पाइप करके जहाँ पे कंट्री में उस प्रोजेक्ट के साथ जो चीज़ें हो रही है जिसमें कुछ रो एजेंट्स थे जो उस प्रोजेक्ट को किसी तरह से स्टॉप करना चाहते थे और कुछ चॉइस ना बचने की वजह से सरदार बाद में इन सभी चीज़ों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है अपना एक्शन अवतार फिर से धारण करता है क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर था एजेंट था जिस वजह से वो काफ़ी समय के बाद फिर से आता है अब ये सरदार कौन है उसका जो विजय के साथ कनेक्शन क्या है इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी है वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या है उसको वो लोग क्यों बंद करवाना चाहते हैं सरदार किस तरह से उसको रोकेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है इस फिल्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो कार्ती है उन्होंने अपने डबल रोल को जिस तरह से प्ले किया हुआ है वो शानदार है दोनों में काफ़ी अलग डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते एक सुपर सुपरकूल कॉप वाला किरदार था वहीं पे एक एजेंट वाला किरदार था तो एजेंट में जो जिम्मेदारी होती है जिस तरह से वो अपने देश के प्रति जो एक पेट्रोटिजम वाली फीलिंग होती है वो सभी चीज़ें वो डालने में कामयाब रहे फिल्म में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी डायलॉग डिलीवरी थी खास करके सरदार वाले रोल में वो लाजवाब थी कार्तिक ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी किरदार किरदारों को अप्रोच किया हुआ था उसमें उन्होंने काफी नए वे में सभी चीजों को शोकेस किया हुआ था दोनों किरदार काफी डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने दिखाए हुए थे और वो सभी चीजें फिल्म में काफी बढ़िया नजर आ रही थी उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको आसानी से कनेक्ट करेगी इंप्रेस करेगी राशि खन्ना को एक अच्छा खासा रोल दिया गया था और अपने वो सपोर्टिंग रोल में वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी कार्तिक का जो किरदार था उसको काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया हुआ था उन दोनों की जो जोड़ी थी राशि खन्ना कार्थिक की वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे हमें महसूस होती है वो एक अच्छी नज़र आ रही थी इसके अलावा लेला जो काफ़ी सालों के बाद फिल्मों में कम कर रही थी उनको एक की रोल दिया गया था उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको चंकी पांडे को एक इम्पोर्टेंट किरदार दिया गया था जो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हुए नजर आते जहाँ पे जिस तरह से उनके और सरदार के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन थे उसको अच्छी तरह से फिल्माया हुआ था इस फिल्म में सेकंड एक्ट्रेस के तौर पर राजीसा विजैन को ली गई थी उनका रोल डिसेंट था अपने रोल के साथ उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के जितने भी फाइट सिक्वेंस है जो एक्शन सिक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है उसको जिस तरह से कंपोज़ किया गया था उसको जिस तरह से फिल्माया गया है वो सभी चीज़ स्क्रीन पे आपको देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी इसके अलावा इस फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको काफ़ी स्टाइलिश वे में रिवील किया गया है शोकेस किया हो गया है साथ ही में जो टेक्निकल फिल्म की जो वैल्यूज है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की गई थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी अब हम बात करें कुछ इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो जिस तरह से सेकंड हाफ में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ था वो काफ़ी हाई वे पे दिखाया होता है वहाँ पर और बेहतर ड्रामा और बेहतर थ्रिल फिल्म को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था लेकिन डायरेक्टर वही रूटीन चीज़ों में सभी चीज़ों को दिखाते हुए नज़र आते जिस तरह से दूसरी हमने स्पाई वाली फिल्म हम देखा है वो हम सेकंड हाफ में देखते हुए नजर आते जिस वजह से वो सभी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती है निरसन वहाँ पे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था जिस वजह से पिक्चर थोड़ी और टाइट हो जाती फिल्म देखने का मजा दुगना हो जाता स्क्रीन प्ले बेहतर वे में कनेक्ट कर पाता क्लाइमेक्स अच्छा था लेकिन बेहतर हो सकता था उतना कुछ ही इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते पूरी फिल्म देखते समय लेकिन फिर भी जिस तरह से हैंडल किया हुआ था वो डिसेंट था एडिटिंग फिल्म की बेहतर की जा सकती थी इसके अलावा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो फिल्म के काफ़ी बढ़िया है काफ़ी हेवी वे में टेक्निकल टीम ने काम किया हुआ है जीवी प्रकाश का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाता है उनके गाने डिसेंट थे लेकिन जो बीजेम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाने ठीक ठाक थे कैमरा वर्क था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जॉर्ज विलियम्स ने हैंडल किया हुआ था जिस तरह से जो एक्शन सिक्वेंस थे जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे कार्तिक का जो किरदार था उन सभी चीज़ों को जिस तरह से सो किया हुआ था वो काफी सोलिड नजर आ रहा था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर पी एस मित्रा ने फिल्म के साथ एक डिसेंट काम किया हुआ है काफ़ी बढ़िया है हाँ फिल्म को सेकंड हाफ में वो थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो कहानी है उसमें जिस तरह से एक्शन डाला हुआ है जो ड्रामा डाला हुआ है जो स्टाइल मैनर में थ्रिलिंग मोमेंट को रिवील किया हुआ है वो सब चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती सेकंड हाफ़ थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग मैनर में दिखाया जाता तो चीज़ें और सॉलिड हो सकती थी लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है जिस वजह से एक इमोशनल स्पाई ड्रामा इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे सभी चीजों को स्टाइलिश और एक्शन पे एक तरीके से दिखाया हुआ है हाँ थोड़ी लेंदी आपको शायद लग सकती है सेकंड आप में थोड़े इश्यू नजर आ सकते हैं लेकिन कार्तिक के सोलिड परफॉर्मेंस जिस तरह से फिल्म का जो कंटेंट था जो मेरे मैसेज था वो काफ़ी सॉलिड था जो थ्रिलिंग मोमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे एक्शन सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिल्म काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है कैमरा वर्क बैकग्राउंड स्कोर सभी जगह पर फिल्म काफ़ी बढ़िया थी तो इस वजह से इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो इसे मिस नहीं करना चाहिए इसको आसानी से इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो सरदार फिल्म को रिलीज किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को थिएटर में जहाँ पे इस फिल्म ने वीकेंड में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया पहले ही वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 50 करोड़ का जो बेंचमार्क होता है ग्रोस कलेक्शन का वो आसानी से हासिल किया हुआ था पहले दिन डिसेंट कलेक्शन आया हुआ था करीबन 6 करोड़ के आसपास का तमिल लैंग्वेज में लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव था इस फिल्म के साथ प्रिंस करके फिल्म आई हुई है शिव कार्तिकेय की तो शिव कार्तिकेय का भी काफ़ी बढ़िया समय चल रहा था दो तीन फिल्में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म सौ सवा करोड़ के आसपास की उनकी पहुंची थी जिस वजह से उसकी हाइप काफ़ी बढ़िया थी लेकिन कार्तिक का जो का इस फिल्म में काम देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने कंटेंट चूज़ किया हुआ था उनकी भी फिल्में काफ़ी पिछली हिट हुई थी तो दोनों स्टार की फिल्में एक साथ में रिलीज़ हुई थी तो इस क्लेस में कार प्रिंस फिल्में उसके मिक्स रिव्यू के चलते उस फिल्म ने दूसरे दिन उतना पिकअप नहीं दिखाया लेकिन उसके सामने कार थी कि यह सरदार फिल्म काफ़ी बढ़िया बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और इस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया था तमिलनाडु के जो रीजन है वहाँ पर रेड जैंट मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तेलुगु स्टेट में इस फिल्म को अन्नापूर्णा स्टूडियो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है कर्नाटक रीजन में इस फिल्म को एवी मीडिया कंसल्टेंसी के नीचे रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से इन रीजन्स में अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था जिसकी बदौलत एक अच्छी रिलीज मिली थी फिल्म को और फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसकी आई रेटिंग से आपको अंदाजा लगेगा इक्कीसो वोट मिले हुए फिलहाल में सरदार फिल्म को जिसमें आठ पॉइंट एक की आई एम डी बी रेटिंग हासिल है दस में से तो आठ पॉइंट एक की एक अच्छी खासी रेटिंग है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है जिसके चलते फिल्म ने तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके एक अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्मों में फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो चुकी थी क्योंकि क्रिटिकल और कमर्शियली दोनों जगह पे इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज जो फिल्म का कंटेंट था जो एक्शन सिक्वेंस थे फिल्म का जो प्लॉट जिस तरह से सेट किया गया था उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो आहा ओ टी ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स है वो कालिंग न टीवी वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के रिलीज से पहले ही तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन दो महीनों के बाद आहा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कालिंगनर टीवी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के करीबन पाँच सात महीनों के बाद कालिंगनर टी वी के ऊपर तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में बात करें हिंदी वर्जन की तो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स किसके पास है मोस्ट प्रोबेबली गोल के पास हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हिंदी वर्जन में डब करके सेंसर करवाया जाएगा उसके बाद में टीवी के ऊपर अगर गोलमाइंस वालों ने खरीदे हुए तो गोलमाइंस की टीवी चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा अगर कोई दूसरे बैनर के पास है तो इस फिल्म के टीवी टीवी के राइट्स बेचते हुए पहले टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तमिल तेलुगु वर्जन आपको आहा ओ टी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर जो तमिल वर्जन का सेटेलाइट प्रीमियर है वो आपको कालिंगना टी के

तो इस तरह से सरदार फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गायज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर आपके साथ बातचीत की हुई है साथ ही में ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसकी भी प्रॉपर जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू